आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य के मंत्री और कलकत्ता नगर निगम की जो मेयर साहेब है उनकी एक गलत टिप्पणी कर लेकर हम लोग एडजर्नमेंट मोशन लाया था। राजनीति से प्रेरित होकर ऑनरेबल स्पीकर ने एडजर्नमेंट मोशन को रिजेक्ट किया, पढ़ने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने बताया दिस सब्जेक्ट नॉट रिलेटेड विथ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन 3 जुलाई ऑल इंडिया कुरान कॉम्पिटिशन में ऑनरेबल मिनिस्टर एज वेल एज मेयर ऑफ द कलकत्ता ही अटेंडेड एज ए मिनिस्टर। उन्होंने संविधान को सामने रखते हुए ओथ लिया। ओथ लेने का बाद भी उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑडिटोरियम में इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में बताया जो इस्लाम है, इस्लाम लिया है वो लाकी है, सौभाग्यवान है, और इस्लाम को छोड़कर जो दूसरा समुदाय का आदमी है सब वो लोग दुर्भाग्यशील है, अनलकी है, उसका कपाल खराब है। वो सब लोग को दावत इस्लाम की लाने के लिए उन्होंने कोशिश करने का आवाज उठाया। सीधा सीधा सांप्रदायिक बात है, इस्लाम छोड़ के हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट से लेकर सब समुदाय का ऊपर आघात है। एक मंत्री के नाते जिन्होंने संविधान को सामने रखते हुए ओथ लिया है वो एक इस तरीके से बात नहीं कर सकती है। इसलिए हमारी भाजपा की ओर से हमारा जोरदार विरोध हुआ असेंबली का अंदर। हम लोग गीता हाथ में लेते हुए और स्वामी विवेकानंद का जो नारा है तुम्ही गर्व करे बोलो आमी हिंदू, इसको जो रामकृष्ण परमहंस देव का नारा है जो तो मौत तो पौत, ये लेकर भाजपा की सब विधायक ने असेंबली से वॉकआउट किया और सड़क में आकर हमारी जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन रखा है मीडिया के सामने, जनता के सामने। और हमारी यही मांग है निस्सर्त क्षमा प्रार्थना कीजिए और आपने गलत टिप्पणी को वापस लीजिए, नहीं तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उनको तुरंत बर्खास्त करने के लिए गवर्नर का पास रिकमेंडेशन भेजिए। ये मुद्दे पर हमारी लड़ाई विधानसभा के अंदर और बाहर जारी रहेगा। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।